अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक है। मैं बहुत दिन बाद में बना रही हूँ ब्लॉग। तो ये सुबह का टाइम है और सुबह उठ के सबसे पहले मैंने नमाज़ पढ़ा और पढ़ के मैं आ गई बाहर। मुझे बाहर में ऐसा फ्रेश एयर खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये बाहर का जो व्यू है इतना सुंदर है, मैं अभी दिखाती हूँ ये सब पहाड़। और मेरा लाइफ जो इतना इजी बना दिया, मेरा जो हैबिट है वो सबसे पहले ये हैबिट है, जो मैं सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ। और मैं हमेशा मेरा बेबी उठने का एक घंटा पहले मैं उठ जाती हूँ। और बेबी उठने का पहले मैं जितना काम कर पाती हूँ, बेबी उठने के बाद मैं उतना काम नहीं कर पाती, क्योंकि बेबी को फुल टाइम देने लगता है, क्योंकि उसके साथ खेलना, तो मम्मी ये चाहिए वो चाहिए। और सुबह सुबह बदन में फुल एनर्जी रहता है। और सुबह सुबह आप जितना काम मैं कर पाती हूँ, पूरा दिन में भी मैं उतना काम नहीं कर पाती। और देखिए ना ये सब बादल कितना अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर तो मेरा 5-10 मिनट चले जाता है। और एक बात है, मेरा जो हैबिट मैंने रिसेंटली चेंज किया है, उसका जैसे मेरा लाइफ और भी मतलब इजी हो गया। जो सुबह नींद से उठ के मैं पहले फ़ोन देखती थी और उसमें मेरा आधा घंटा तो चला जाता है, तो आजकल मैं वो एकदम बंद कर दिया। और इसका वजह से मेरा टाइम बहुत सेव हो गया। और अभी मैं नीचे का रूम में आ गई, तो ये सब पर्दा वगैरह खोल दूँगी जब धूप निकलेगा, तो घर का अंदर धूप घुसेगा। और सबसे पहले मैं सुबह उठ के ये जो वाला रूम है, ये रूम को मैं सुबह सुबह क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा बेबी यही रूम में हमेशा खेलते ही रहता है। वही जो कारपेट है उसी में वो बैठ के खेलते रहता है। अगर वो उठ गया ना, वो सारा खिलौना इधर उधर बिखार देगा, तब उस टाइम क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो कारपेट है, इसको डीप क्लीन कैसा करना है, इसका वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी इंशाल्लाह। और जब कभी कभी कारपेट डैम्प हो जाता है और किसी का स्मेल हो जाता है, ये सब कैसा हटाना है ईजीली एकदम ड्राई क्लीन मैं दिखाऊँगी, तो इसका वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी। और ये देखिए कितना डस्ट निकला है। और ये देखिए अभी पूरा रूम कैसा क्लीन हो गया, अभी ये जगह पूरा रेडी है मेरा बेबी है खेलने के लिए। और यहाँ पर मैं आ गई किचन पर, तो अभी मैं कैमरा को स्टैंड में लगा देती हूँ। और अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। और ये जो कंटेनर है जो मैंने लिया है अभी, इसका अंदर ओट्स का पाउडर है, जो मैंने एक दिन पहले उसको पाउडर बना के रख दिया था कंटेनर में। जो मेरा थर्ड जो हैबिट है वो ये है, जो ब्रेकफास्ट का जो प्रिपरेशन है उसका हाफ प्रिपरेशन मैं एक दिन पहले का जो रात है उसमें मैं कर लेती हूँ। और इसके वजह से सुबह का जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो ईजीली एवं झटपट जल्दी बन जाता है। और अभी मैं यहाँ से आटा निकालूंगी, तो मैं ओट्स का जो पाउडर है उसके साथ थोड़ा आटा भी मिलाऊंगी, तो आज ओट्स और आटा का रोटी बनाऊंगी। बहुत ही इजी तरीका है, तो मैं दिखाऊंगी अभी। और ये वेट लॉस रेसिपी है। एक्चुअली फ़िलहाल हम लोग मैंने बहुत ही ज़्यादा वेट गेन कर लिया, बीच में मैंने वेट लॉस किया था, तो जितना लॉस नहीं किया उससे ज़्यादा मैंने वेट गेन कर लिया था। और यहाँ पर मैंने ओट्स का पाउडर डाल दिया और अभी इसमें मैं थोड़ा आटा भी मिलाऊँगी। अगर मैं इसमें आटा नहीं मिलाऊंगी तो जब मैं ओट्स का रोटी बनाऊंगी तो ओट्स का रोटी फटने लग जाता है, फट फट जाता है। और इसका मैं आज रोल बनाऊंगी तो रोल करने के टाइम वो पूरा फट जाएगा, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा आटा मिलाती हूँ। तो आटा मिलाने से रोल जब करूंगी वो एकदम ईजीली रोल हो जाता है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाला और सबसे पहले मैं इन सभी को एक साथ मिक्स कर लूँगी, उसके बाद मैं इसमें पानी डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके। और पानी एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और रोल का अंदर का जो फिलअप जो मैं ढालूंगी तो मैं इससे बनाऊंगी। और मेरा 4 नंबर जो हैबिट है वो ये है कि मैं जब भी किचन में आती सबसे पहले मैं एक जग पानी बिठा देती हूँ। अगर आपके पास गर्म पानी रहता है ना, आप कोई भी चीज़ आप जब बना रहे हो तो जल्दी झटपट बन जाता है। और ये चिकन मैंने कैसे मैरिनेट किया है मैं अभी दिखाती हूँ, तो चलिए मेरे साथ रात का वीडियो में। और ये रात का टाइम मैंने शूट किया था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कुछ मदद हो जाए। और ये अभी मैं ओट्स निकाल रही हूँ, सबसे पहले मैं ओट्स का पाउडर बनाऊंगी। तो ओट्स का पाउडर कुछ नहीं है, बस ओट्स को ग्राइंडर में डाल दूंगी और उसको ग्राइंड कर लूँगी, वो बन जाएगा उसका पाउडर। देखिए बन गया मेरा ओट्स का पाउडर। और अभी मैं इसको एक कंटेनर में डाल के रख दूंगी। और मैंने उतना ही पाउडर बनाया जितना मुझे चाहिए सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, ना ही ज़्यादा ना ही कम। और ये देखिए मैंने चिकन का ये ब्रेस्ट पीस से बनाया है,
तो इसको मैंने छोटा छोटा पीसेस में काट दिया और इसका जो हड्डी है वो मैंने निकाल दिया। तो अब इसको मैं एक बोल में डाल देती हूँ। मेरा चिकन का क्वांटिटी कम थी था तो इसलिए मैंने हाफ भी नहीं है, 1/4 नींबू डाला इसमें। अभी सॉल्ट डाला और ये है गोल मिर्चा। गोल मिर्चा को मैंने पाउडर करके डाला। और अभी मैं इसमें सोया सॉस डालूंगी। और आप सभी को मेरे ब्रेकआउट में मेरी बीबी का आवाज़ सुनाई दे रहा है, देखा कि मम्मी बोल रहा है, मतलब उसको पूरा फुल टाइम चाहिए, तो उसको मैं उसको लेके कर रही हूँ रात को। मैं अगर मैं अभी नहीं करूँगी तो इसको मैरिनेट करने के लिए भी सुबह 2-2 घंटा चाहिए और उसके लिए मेरा ब्रेकफास्ट और भी लेट होगा। और मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि 9 बजे का पहले ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाए। और अभी मैं सब्जी को भी काट दूँगी, इससे मेरे सुबह में और भी मदद हो जाएगा। और इसको काट के मैं ज़िपलॉक बैग में रख दूँगी। और आजकल मैं इतना ज़िपलॉक बैग यूज़ नहीं करती, पहले जितना खरीद लिया तो खरीद लिया और आजकल इसमें मैं पैसा वेस्ट नहीं करती। तो इसका एक जुगाड़ मैंने निकाला तो मैं अभी आपको सब शेयर करूँगी, बहुत अच्छा जुगाड़ है इसका। और ये सारे ज़िपलॉक बैग को मैं एक साइड रख देती हूँ। और ये देखिए, ये है वो जुगाड़, कितना अच्छा है। और मैंने इसको बंद कर दी, खुला ही था। ये देखिए ज़िप लॉक है, कितना अच्छा लॉक सिस्टम है इसका। और चापत्ती तो हम लोग का घर में हर महीना आती रहता है, तो उसके साथ आपको एक बैग भी फ्री मिल गया। और ये देखिए, ये है भुजिया का पैकेट, इस सब में भी ज़िप लॉक बहुत अच्छा होता है, अगर इसके अंदर भी आप रखेंगे तो बहुत अच्छा है। और एक देखिए, ये है कॉर्नफ्लेक्स, उसका भी इतना बड़ा पैकेट आता है देखिए। तो आजकल मैं इस सब में रखती हूँ। और आजकल मैं इस सब ज़िप लॉक का पीछे एकदम पैसा खर्च नहीं करती, तो इस सब में मैं काम चला लेती हूँ। और आप लोग सोचेंगे ये सब ज़िप लॉक का बैग का पीछे कितना ही पैसा ना खर्च होता है, लेकिन ये भी सही है, जो अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करके जमा करेंगे वो भी बहुत है, एक दिन थोड़ा थोड़ा जम के भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और मेरा पैसा भी बहुत सेविंग होता है अभी। और ये देखिए, मैं अभी दिखाती हूँ, देखिए चपत्ती बैग मैंने रखा है। और ये है डेट्स का पैकेट, ये भी बहुत अच्छा है, ज़िप लॉक सिस्टम है इसका देखिए। और कितना मैं ज़िप लॉक बैग खरीदेंगे, हर 2-3 महीना बाद मुझे ख़रीदने लगता है, क्योंकि कभी कभी ये फट जाता है, ख़राब हो जाता है। और ये देखिए बड़ा बैग में मैंने इसमें ड्राई फिश रखा है और इससे स्मेल एकदम नहीं आता है, पूरा ज़िप लॉक है, लॉक होकर रहता है। और किचन का बजट का पैसा सेव करना, ये भी एक अच्छा गुड हैबिट है। और यहाँ पर मैं ग्रीन चटनी बना रही हूँ, तो अभी बना कर रख दूँगी तो सुबह मेरा मदद हो जाएगा। और ये चटनी में मैंने हरा धनिया, नमक, अदरक, ढेर सारी मिर्चा और विनीगर डाला और डाल के मैंने अच्छा से इसका पेस्ट बना दिया। और ये कैन गार्ड, एक्वा गार्ड हम लोग का सभी का घर में है। और इसे देखिए ना, पानी बहुत निकल कर जाता है, बहुत वेस्ट होता है, तो पहले मैं पानी जमा नहीं करती पर आजकल मैं जमा करती हूँ। ये देखिए, तो ये इस बाल्टी में मैं जमा करके रखती हूँ। और ये पानी से मैं वेजिटेबल बर्तन सब क्लीन करती हूँ, धुलाई करती हूँ सबसे। और ये देखिए, मैं जितना सारा बर्तन निकला है रात को मैं सब क्लीन कर लिया, अच्छा से वॉश करके रख दिया। और मेरा हमेशा रात को सारे बर्तन धो के रखती हूँ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए कुछ भी नहीं रखती हूँ, एकदम पूरा चौका नीट एंड क्लीन करके रखती हूँ। और ये मेरा सबसे अच्छा हैबिट है, जिससे मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे बहुत हेल्प मिलती। अभी फ्लैशबैक ख़त्म और ये है मॉर्निंग का टाइम। तो अभी मैं जो मैरिनेट किया चिकन है उसको मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला और प्याज को मैं रात को नहीं काटती, इसको मैं एकदम फ्रेश काट के डालती हूँ। और ये गया तेल में प्याज पहले, और प्याज को मैं ज़्यादातर नहीं लाल ब्राउन गोल्डन ब्राउन नहीं करूँगी। और यहाँ पे मैंने नमक डाला जब थोड़ा सा सोटे करके, उसमें मैं चिकन डाल दूँगी। और चिकन डाल के इसको मैं ढक के रख दूँगी पकने के लिए। और यहाँ पर मैं वेट लॉस ड्रिंक पी रही हूँ, और एवरी डे मॉर्निंग में मैं एम्प्टी स्टोमक पे वेट लॉस ड्रिंक पीती हूँ। और टमाटर को भी मैं रात को नहीं काटी थी तो इसको मैं अभी कट कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरा चिकन पक गया था तो अभी मैं सब्ज़ी डाल दिया इसमें, और डाल के थोड़ा देर पकाऊंगी, थोड़ा देर के बाद मैं इसको ऑफ कर दूंगी।
और यहाँ पर मैं सलाद के लिए प्याज काट रही हूँ, तो इसके साथ सुबह का ब्रेकफास्ट जो है उसके साथ मैं एक बोल सलाद भी बनाऊँगी। और यहाँ पर मेरा सब्जी भी पक गया, तो अभी मैं गैस ऑफ कर दूंगी। और यहाँ पर मैं किचन काउंटर क्लीन कर रही हूँ, जितना मेसी पड़ा था मैं सारे सामान को हटा दिया, और मुझे एकदम क्लीन चाहिए कुछ भी काम करने के लिए, और ख़ास करके जो किचन का जो काउंटर है वो, तो मैं इजीली दूसरा काम कर पाती हूँ। और यहाँ पर मैंने आयरन का तवा लिया है, तो इसको मैं अच्छे से वॉश करके यूज़ करूँगी। और मैं हमेशा किचन का कोई भी सामान हो हमेशा एक बार पानी से धो के मैं उसको यूज़ करती हूँ। और आजकल मैं कास्ट आयरन का तवा यूज़ करती हूँ, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और नॉनस्टिक जो तवा है वो एकदम यूज़ करना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि उसमें केमिकल कोटिंग होता है जो हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब है, तो ये सोच के मैं वो एकदम स्टॉप कर दिया। और यहाँ पर मैंने बेटा जब ले रही थी उसमें बाटी में, मैं अलग से मेरा बेटा के लिए, तो देखा मतलब थोड़ा घाड़ा हो गया, तो इसको मैंने थोड़ा पानी डाल के थोड़ा पतला कर दिया, तो इसमें मैं अपने बेटा के लिए थोड़ा निकाल रही हूँ। उसको थोड़ा दूसरा किस्म से बना के दूँगी, उसको बहुत पसंद है, तो सलाद के लिए मैंने काट के रखा था, तो हर साथ मैंने थोड़ा थोड़ा ले लिया इसमें। और ये जो मेरे बेटा का जो बना रही हूँ, बच्चे लोग बहुत पसंद से खाते, मेरा बेटा तो बहुत पसंद से खाता है, तो मेरा बेटा इसको पिज़्ज़ा दिया नाम इसका, वो इसको पिज़्ज़ा बोलता है, क्योंकि उसमें मैं थोड़ा ऑर्गेनो डालती हूँ, उसको भी पिज़्ज़ा का स्मेल मिलता है, तो इसलिए वो पिज़्ज़ा बोलता है। तो ये बेटा मैं अभी डालूँगी इसमें, जितना पतला होता है उतना अच्छा है, अगर गाढ़ा होगा तो आपका रोटी जो फोल्ड करेंगे तो नहीं फोल्ड होगा, अच्छा से टूट जाएगा, इसलिए बेटर एकदम पतला होना है। और यहाँ पर मैं सलाद बना रही हूँ, ये है ग्रीन मूंग दाल जो मैंने एक दिन पहले भिगो के रख दिया, फिर उसके बाद मैं छलनी में रख दिया, और यहाँ पर रोटी के ऊपर सूख गया था, तो इसमें मैं थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। तो ये वेट लॉस रेसिपी है, इसलिए मैं एकदम कमती लगा रही, अगर आपको अच्छा से खाना है तो आप ज़्यादा करके घी डालिए। और यहाँ पर मैं अभी डाल रही हूँ टमाटर, ऑनियन, ये है शिमला मिर्च, गाजर, और यह है खीरा, और ये है मिर्चा, धनिया। ये है ऑर्गेनो चिल्ली फ्लेक्स। और यहाँ पर मेरा रोटी बन गया था, तो उसको तवा से निकालने में यहाँ पर आ गई, उसको रख दिया वहाँ पर, मैं दोनों काम एक साथ कर रही थी, तो ये बन गया। तो इसको मैं सोच रही पलटाऊँ ना नहीं पलटा, तो फिर बाद में मैंने इसको नहीं पलटाया, ऐसे निकाल लिया, देखो ऊपर तक तो पूरा पक गया। तो अभी इसमें मैं हरा धनिया लगा रही थी, धनिया का चटनी मैं रात को बनाई थी वही। और अचानक से मुझे याद आया, अरे मैंने तो इसमें ऑर्गेनो नहीं डाला, तो मैं इसे अभी डाल रही हूँ ऑर्गेनो। ऑर्गेनो लास्ट में भी डाल सकते, कुछ नहीं। और यहाँ पर मैंने दूसरा रोटी तवा पर डाल दिया, और इसका ऊपर नीचे दोनों तरफ मैं सेकूंगी। और यहाँ पर मैं सलाद में नींबू डाल रही हूँ, नींबू का रस। और यहाँ पर मैं अपना बेटा के लिए बना रही हूँ, बन रहा है बाबा, मम्मी पानी, यस बाबा आपके लिए बन रहा है।
और ये वाला रोटी मैं अपना छोटा बेटा के लिए बना रही हूँ, जो मैंने एक साथ मिक्स कर दिया था सलाद का जितना सारा है, गाजर टमाटर डाल के बेटर में। और ये बन गया मेरा बेटा का, तो ये बहुत पसंद से खाता है मेरा बेटा। आप भी ट्राई कीजिएगा ये वाला, अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा है रोटी तो ये वाला रोटी बना कर दीजिए। और यहाँ पर रेडी हो गया मेरा और मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट। और ये वाला रोल इतना टेस्टी है, मानो इतना टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी। और इसके साथ लीजिए एक बोल सलाद। और इससे ये खाने से आपका वेट कभी गेन नहीं होगा, वेट लॉस होता है। और ये देखिए मेरा हालत बेबी का, आके खिलौना गिरा देता है। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।